तो इस प्लेन पर स्केच बना लिया मैंने, ओके okay, उसके फेस के ऊपर मैंने स्केच बना लिया, और उसके बाद स्टूडियो स्पलाइन का इस्तेमाल करके मैं कर्व बनाता हूँ। ठीक है, तो ये कर्व जो रहेगा ये 3D कर्व रहेगा, तो इसको मुझे तीनों एक्स वाई जेड रेफरेंस से मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक एक को मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को आप बार बार सिलेक्ट करके जिस डायरेक्शन में उसको एडजस्ट करना चाहते हो आप वहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस सैंडल में सिर्फ एक ही कर्व बनाऊंगा और इस कर्व से, ओके तो इस कर्व में और एक सेकंड कर्व एक और बनाऊंगा जो इसी की लाइन में होगा, मतलब जो जो पाथ इस कर्व का है वही पाथ दूसरे कर्व का रहेगा। ये सेकेंड कर्व को मैं उसी कर्व के साथ मिला देता हूँ। इसके बाद अब ये स्टूडियो स्पैन है तो इसमें 3 पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एक डायरेक्शन को पकड़ के इसको थोड़ा सा दूर ऑफसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कर्व मिल गए हैं, क्रॉस कर्व भी है हमारे पास और एक अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक सरफेस बनाएंगे और उस सरफेस को सिंपली मैं थिकन करूँगा। ठीक है, और थिकन करने के बाद उस पर देखेंगे क्या क्या करते हैं, उसमें हम कुछ एक पैटर्न बना देंगे। ओके, और फिर देखते हैं क्या डिज़ाइन इसके ऊपर हम बना सकते हैं, तो वो चीज़ करेंगे। और फिर कलर वगैरह भी हम इसके चेंज करेंगे। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस कर्व को भी हटा देता हूँ क्योंकि ये क्या जरूरत है नहीं है। जो रेडियस हमने पहले दी थी वो रेडियस आप यहाँ पर देते हैं क्योंकि हमारे कर्व क्रिएट हो चुके हैं, अब हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थ्रू कर्व मेश का इस्तेमाल करके मैं इसको, ठीक है, तो थ्रू कर्व मेश से हम इसको बनाएंगे और इसके पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कर्व में हमने एक लाइन और एक पॉइंट सिलेक्ट करा, और क्रॉस कर्व में हमने दोनों कर्व जो थे जो क्रॉस कर्व हमने वो सिलेक्ट कर लिए और एक सरफेस बना ली। ठीक है, तो इसको मैं कलर दे देता हूँ और अब इसको चाहें तो हम थिकन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसकी मैं 2 थिकनेस दे देता हूँ, जितने भी आपको लगे उतने आप थिकनेस दे दीजिए। बस ये याद रखिए कि जब उसका जहाँ से हमको जो पेयर एंटर करते हैं वहाँ से कुछ रेडियस दे देना क्योंकि वो रिक्वायर्ड रेडियस है। ठीक है, तो आप चाहे तो जो सरफेस हमने बनाई थी उस सरफेस को आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं चैम्फर दे देता हूँ। तो ठीक है, थोड़ी मॉडर्न टाइप की सैंडल दिख रही है। अब यहाँ से इसको के लिए प्लेन लेना पड़ेगा, उस प्लेन के लिए मैं हमारे जो बेसिक प्लेन होते हैं उसी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये एक लॉक पॉइंट बन जाएगा जो ऊपर की जो थिकनेस जो थिकन जो बॉडी है उसको सैंडल के अंदर जो लॉक करके रखेगा। ठीक है, जो अधिकतर सैंडल्स में आपने देखा वो उस तरह का रहता है, तो मैं इसको उस तरह से इसमें एक्सट्रूड कर देता हूँ।
ठीक है, ऊपर से ऊपर के पोर्शन को भी एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, और सिंपली एक्सट्रूड नहीं होगा ये तो मैं कुछ दूसरा ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरह से इसमें एक मुझे पता नहीं इसको बोलते क्या है, लेकिन जो भी है ये जो मैंने ऊपर का जो बॉडी बनाई है उसको लॉक करने के लिए है, सैंडल में लॉक करने के लिए एक आप बोल सकते हो बोल्ट टाइप का है, बोल्ट तो नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैं एक सिंपल सा एक पैटर्न भी बनाऊंगा मैं कुछ, ठीक है। तो इसके फेस को मैं सिलेक्ट कर करके अलग अलग कलर दे देता हूँ। तो ये मॉडल मैंने क्रिएट करा है तो सिर्फ ये इमेजिनेशन से मैंने क्रिएट करा है कि जो मेरे मन में आता गया मैं उसको बनाता गया। अगर इस तरह के आप मॉडल अगर आप बनाते रहोगे तो उससे आपकी मॉडलिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको करते रहना चाहिए, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, फ्री समय हो, तो आप मॉडल बनाते रहिए। यहाँ पर भी मैं रेडियस दे देता हूँ तो ये कुछ हिल टाइप का बन जाएगा। कर्व को मैं हाइड कर देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ एक पैटर्न बनाऊँ। जो बेसिक प्लेन है उसी प्लेन का इस्तेमाल करके मैं कुछ इसके ऊपर पैटर्न बनाऊँगा। उसके लिए पहले स्केच करता हूँ, कुछ सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इनके डायमेंशंस में कुछ माइनस करता जाऊंगा, मतलब ऊपर सबसे बड़ा सर्कल रहेगा और नीचे सबसे छोटा सर्कल, इसे
ऐसे ही मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से कुछ क्रम वाइज में कुछ सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो इससे कुछ एक पैटर्न बन जाएगा जो कि सैंडल के ऊपर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं करता हूँ। तो मैंने इसके डायमेंशन दे दिए हैं, और कुछ डायमेंशन में जो सबसे बड़े वाले सर्कल के डायमेंशन थे, उस सर्कल से छोट सभी के डायमेंशन थोड़े थोड़े मैंने कम कर दिए हैं, ठीक है। एक सर्कल और बना देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको एक्सट्रूड करता हूँ, और जो ऊपर वाली जो बॉडी है उस पे से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सरफेस को हटा देता हूँ, यहाँ सरफेस भी है। तो इस तरह से ये एक सैंडल में एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो एक डिज़ाइन बोल सकते हो आप, एक डिज़ाइन बन गया। अब इसके भी कलर को चाहे तो आप चेंज कर दीजिए, मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। बस कलर चेंज करते टाइम एक बात ध्यान रखें कि जब कलर जब आप चेंज करते हो, तब आप फेस को सिलेक्ट करो। अगर आपको अलग अलग कलर, अलग अलग फेस के अलग अलग कलर चाहिए, तो फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें अलग अलग एज ब्लेंड दे देता हूँ, अलग अलग रेडियस दे देता हूँ। ठीक है, अब एक डेटम प्लेन लेता हूँ मैं, और हमको उस सैंडल का पेयर बनाना होगा। तो पेयर बनाने के लिए मैं इसको सिंपली उस डेटम प्लेन के अलोंग इसको मैं मिरर ज्योमेट्री करूँगा। तो ये मिरर ज्योमेट्री कर दिया, इस कुछ कर्व्स भी आ गए। तो फिल्टर सिलेक्शन में जाके कर्व को सिलेक्ट करूँगा और उनको हटा दूंगा, ठीक है। फिल्टर सेक्शन में जाके मैंने कर्व सेलेक्ट करा और सभी कर्व को मैंने हाइड कर दिया। तो अब हमारे पास ये सैंडल्स का पेयर आ गया। तो इस तरह से आपको भी मॉडल दोस्तों डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बाय।